हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ स्टॉक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, खासकर जून 2023 और दिसंबर 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक खुशखबरी निकल कर आई है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को पता हो कि जून 2023 और दिसंबर 2023 का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया है, यानी कि दोस्तों 28 अगस्त को आप लोग का जो रिज़ल्ट जारी हुआ था जून 2023 और दिसंबर 2023 सेशन का, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 से 1.5 मंथ के बाद आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। मैं आप लोग को वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है, क्या क्या मिला है, क्या कुछ मिला है, कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है जून 2023 और दिसंबर 2023 का, वो 28 अगस्त को आया था, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब क्या किया गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा कर आप लोगों के DO ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो आप लोग का होता है वहाँ भेज दिया गया है, ठीक है। वहाँ भेजने के बाद प्रोसेस होता है कि वहाँ से आप लोगों के स्टडी सेंटर पर कुरियर कर दिया जाता है, ठीक है। वो कुरियर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए बहुत सारे स्टडी सेंटर में आप लोग पता करेंगे अपने स्टडी सेंटर में अपने कोऑर्डिनेटर से, तो वो लोग अभी भी बोलेंगे कि यहाँ अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अगर ऐसा वो लोग बोलते हैं तो आप लोगों को क्या बोलना है उनको, आप लोग को मेरा वीडियो दिखा देना है प्रूफ के साथ। मैं अभी आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि सच में आया है कि नहीं जून 2023 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दिसंबर 2023 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मैं आप लोग को अभी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, और क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग के स्टडी सेंटर से ही मिलेगा, या फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर होंगे उन्हीं से आप लोग को मिलेगा। आप लोग को बीबॉस ऑफिस से ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ये आप लोग बात दिमाग में अपना बैठा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बार बार सवाल पूछते हैं कि मैं बीबॉस ऑफिस से जाकर अपना डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ या फिर नहीं। तो आप लोग को मेरा सीधा जवाब है नहीं, आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा, या फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो आप लोग को लाकर देंगे। अगर आपके कोऑर्डिनेटर मना करते हैं कि अभी नहीं आया है, तो उनको आप बोलिए कि DO ऑफिस चला गया है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप वहां से लाकर मुझे दे दीजिए, मुझे अर्जेंटली नीड है, मुझे एडमिशन से रिलेटेड वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करना है, इसलिए मुझे अर्जेंटली आप लाकर दे दें। तो वो जाकर DO ऑफिस से भी जाकर ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। आगे उसके बारे में बात करेंगे कि क्या आप बोल सकते हैं अपने कोऑर्डिनेटर से। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को मिलेगा वो रहेगा मार्कशीट, ठीक है। सबसे पहला चीज़ मार्कशीट मिलेगा, आप लोग ऊपर ध्यान से देख लीजिए, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं बोर्ड परीक्षा बोर्ड पटना यानी कि बीबॉस का ये सर्टिफिकेट है। ऊपर देखिए आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, MS नंबर, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि एक स्टूडेंट का है। राइट साइड में आपका फ़ोटो रहेगा यहाँ पर, और देखिए इन्होंने दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है आप लोग का। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो रहेगा वो 2023 यानी कि सेशन यहाँ पर नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहेगा, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023, ये नहीं यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि जून 2023 या फिर दिसंबर 2023, वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। देखिए ऊपर हेडिंग में आप लोग का सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहेगा, 2023 का है तो 2023 लिखा हुआ रहेगा, 2024 के हैं अगर आप जून 2024 के हैं तो जून 2024 यहाँ पर नहीं, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपके फादर का नेम रहेगा, मदर नेम रहेगा, यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर नाम और कोड रहेगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपका मार्क्स जो रहेगा वो मार्कशीट का मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, सारा कुछ मेंशन रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए 330 मार्क्स हैं इनके, और ये रिजल्ट में पास है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है, ये 300 के पार फर्स्ट डिवीज़न होता है। यहाँ पर देखिए डेट भी लिखा हुआ है, 28 अगस्त को ही ये रिज़ल्ट प्रिंट हो गया था, ठीक है। 28 अगस्त को ही ये यानी कि मार्कशीट आप लोग का रिलीज़ कर दिया गया था। यहाँ पे स्कैनर एक कोड रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा सचिव का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पहला चीज़ रहा मार्कशीट। दूसरा चीज़ जो आप लोग को मिलेगा वो मिलेगा माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसको आप लोग TC भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोग को दूसरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, 3 डॉक्यूमेंट टोटल मिलता है, तीसरा भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें भी यहाँ पर देखिए ऊपर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और वैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ देखिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिसंबर 2023, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस बोर्ड हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, सन ऑफ, यहाँ पर आपके फादर नेम रहेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। इन एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फॉर हिज
और हर फर्दर स्टडीज, यानी कि ये आपका टीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इससे आपको ये आप लोग देकर कहीं भी एडमिशन आप लोग आगे फर्दर स्टडीज के लिए ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग को दिखा दिया क्या क्या मिलेगा, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो आप लोग का वो रहेगा सर्टिफिकेट, यानी कि प्रमाण पत्र। यहाँ पर आप लोग का सबसे ऊपर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा एज यूजल, जैसे कि दोनों में था। यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ रहेगा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023, फोटो यहाँ पर भी रहेगा आप लोग का। फिर लिखा हुआ यहाँ पर रहेगा प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा क्रमांक यानी कि यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, और अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र में यहाँ पर आप लोग का जो स्टडी सेंटर होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सारा कुछ। देख लीजिए, दिसंबर 2023 में आयोजित उच्चतर यानी कि 12th 2023 में उत्तीर्ण किया है। फिर यहाँ पर हिंदी था, यहाँ पर इंग्लिश में ही सेम चीज़ लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई डैट, आपका नाम, सन ऑफ, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टडीज कोड, सेंटर, और फिर डेट ऑफ बर्थ, हैज़ पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ये आप लोग को क्लियर हो गया। ये तीसरा डॉक्यूमेंट है आप लोग को, मैंने दिखा देता हूँ मैं फिर से। ये पहला डॉक्यूमेंट आप लोग को मार्कशीट मिलेगा, ठीक है, ये मार्कशीट पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा आप लोग को, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, और तीसरा डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा आप लोग को, सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि स्टडी सेंटर वाले को कैसे बोलना है कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला कर दें या फिर आया है कि नहीं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग को अपने स्टडी कोऑर्डिनेटर या फिर जो स्टडी सेंटर वहाँ चले जाना है, वहाँ उनसे बात कर लेना है कि मेरा डॉक्यूमेंट ला कर दे दीजिए। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं आया है, तो आप लोग को सीधा उन लोगों को बोलना है कि सारा डॉक्यूमेंट आ चुका है DO ऑफिस, वहाँ से आप लोग लाकर मुझे दे दीजिए, क्योंकि वहाँ से कुरियर होके आने में स्टडी सेंटर आपका समय लग सकता है, यानी कि 15-20 दिन या फिर एक महीना भी लग सकता है आप लोग के स्टडी सेंटर आने में। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर को बोलिएगा कि वहाँ खुद जाकर DO ऑफिस ही डायरेक्ट लेकर आ जाइए, कुरियर के आने का इंतजार ना करें, वरना आप लोग को देरी हो सकती है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोग को अपडेट देता हूं, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कुछ टॉक के ही नाम से। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कुछ टॉक, टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग कुछ टॉक सर्च करेंगे तो आप लोग सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फायदा होता है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 कमेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोग कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ, और आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम का फायदा। अगर आप लोग को बी बॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, आप लोग का जो सवाल था बहुत दिनों से, जून 2023 और दिसंबर 2023 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब आएगा या फिर सर्टिफिकेट कब आएगा, वो मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आप लोग के भेजा जा चुका है, वहाँ से आप लोग के स्टडी सेंटर पर भी बहुत सारे स्टडी सेंटर पर जा चुका है, यानी कि पटना, गया, ये सब के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन लोगों के स्टडी सेंटर आ चुका है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का स्टडी सेंटर पर बात कर लीजिए, अपने आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ बात कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं आए हैं तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर बोलिए कि मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लाकर दे दीजिए, मुझे अर्जेंटली नीड है उसका एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्लियरली बता दिया कि आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुका है, और अगर उसके अलावा भी कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आप लोग को मिला या फिर नहीं मिला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।